शिक्षक को बच्चों का भाग्य विधाता कहा जाता है, लेकिन गोंडा जिले की एक शिक्षिका ने वानियत दिखाते हुए एक मासूम बच्ची को बुरी तरह पीटा, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। मामला गोंडा जिले के धरकुइया प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पढ़ने वाली एक बालिका खुशबू पुत्री नक्षेद को स्कूल की टीचर रंजीता वर्मा ने बुरी तरह से पीटा, जिससे वो बेहोश हो गई। बच्ची की बेहोशी की सूचना मिलते ही परिजनों ने बच्ची को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कहां पढ़ती हो? किसने मारा आपको? रंजीता। रंजीता कौन है आपकी? किस लिए मारी है? नहीं लिख पाया। पूरी तरीके से चोटिल हुई है और अस्पताल में भर्ती हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस संदर्भ में किसी अभिभावक ने या किसी ने जानकारी अभी नहीं दी है, आपके माध्यम से संज्ञान में लाया जा रहा है और इसकी हम जांच कराएंगे। अगर अध्यापक दोषी होगी तो उससे विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है विद्यालयों में, बच्चों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, इसके लिए क्या कोई निर्देश जारी किया गया? नहीं, पीटने के लिए क्या है, तो हम लोग ऐसा वातावरण विद्यालय में बनाना चाहते हैं कि भयमुक्त वातावरण हो, बच्चे जिससे आसानी से सीख सकें। ये तो हर ट्रेनिंग का पार्ट है कि बच्चों को दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड न दिया जाए, ये हमेशा इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षकों को निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सर, जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं वो इन बातों को क्यों नहीं ध्यान में रख रही है? नहीं, मोस्टली ध्यान में रख रहे हैं, ऐसा तो हम लोग जाकर पूछते भी हैं। अगर कहीं इस तरह की कोई अगर हरकत किया है तो उसकी जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतः तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमारा राजकरण क्या हुआ था बिटिया के साथ में? स्कूल को पढ़ने गई थी, वहाँ मैडम ने इनको मारा, ज़्यादा बेहोश हो गई एकदम से, फिर वहाँ लेके भगे अस्पताल आए, अस्पताल में जवाब दिए कहीं के आगे बढ़ाओ, तो प्राइवेट में ला करके भर्ती कराया। किसने मारा था बेटिया? रंजीता ने मारा था। कौन से गांव में रहते हैं आप? धरकुइया ने। कौन से स्कूल में पढ़ती है बेटिया? धरकुइया। क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय।